सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और गाइज, अगर आपने अभी तक हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी इंग्लिश की वीडियोज लाते रहते हैं जिससे आपकी इंग्लिश दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होगी। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, जो कि एकेडमिक ग्रामर के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9, 10, 11 या इससे नीचे भी किसी क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो ओमिशन का टॉपिक आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और गाइज, ओमिशन क्या है इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी एडिटिंग की वीडियो बना चुका हूं, जिसके मैं दो पार्ट्स पहले ही बना चुका हूं। जो पार्ट वन है उसका लिंक यहां पे आई बटन के थ्रू, कार्ड के थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने एडिटिंग के टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई टॉपिक आपको करना है, जैसे जंबल सेंटेंस या इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, उसे चेक करके आप उन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ओमिशन होता क्या है। सबसे पहली चीज, ओमिशन क्या होता है, ओमिशन से मतलब क्या है। तो ओमिशन का मतलब होता है कि वी आर गिवन अ पैराग्राफ, हमें इंग्लिश का एक पैराग्राफ गिवन है, एंड इन दैट पैराग्राफ, इन ईच लाइन देर इज अ वर्ड विच इज मिसिंग, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो कि मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस दिया आप लोगों को सामने है, दैट इज आई लाइक योर फोन विच इज वेरी गुड। तो आई लाइक योर फोन विच इज वेरी गुड, ये कंप्लीट लाइन है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई वर्ड मिसिंग हो, जैसे कि यहां पर हो सकता है आई लाइक योर फोन is very good। अब इस सेंटेंस में आप देखिए क्या मिसिंग है। ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो यहां पे बेसिकली विच मिसिंग है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी विच बोला था, विच इज वेरी गुड, जो कि दो सेंटेंस के लिए एक कनेक्टर का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, लेकिन मैंने विच को यहां पे मिस कर दिया। तो इस सेंटेंस में अगर मुझे ओमिशन कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस के अंदर मिसिंग है, ताकि ये सेंटेंस फिर से क्या बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आपको ओमिशन में क्या करना होता है। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओमिशन में किस किस चीज के जो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम मिसिंग हो सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप ओमिशन करते हो तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता कि इस जगह पे ये रूल है, यहीं पे ये चीज मिसिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ओमिशन कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, जंबल सेंटेंसेस कर रहे हो, गैप फिलिंग कर रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं गाइस, जहां पे अगर आपकी ग्रामर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपको अच्छी खासी ग्रामर की नॉलेज है, तो आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी ग्रामर में दिक्कत है तो आपको ऑब्वियसली इन चीजों को करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां पे किसी भी चीज में गलती हो सकती है। मतलब आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जिनके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से ओमिशन के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉमन मिस्टेक्स इन ओमिशन, कि कॉमन मिस्टेक्स ओमिशन के अंदर क्या क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गैप फिलिंग और ओमिशन, इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। गैप फिलिंग क्या होता है, जब एक पैराग्राफ में बीच में आपको गैप दे रखा है और आपको उसमें वर्ड फिल करने हैं। ओमिशन इससे ऊपर का एक लेवल है, क्योंकि देखो गैप फिलिंग में आपको पता है कि गैप कहां पे है, लेकिन ओमिशन में क्या है, आपको उस गैप के बारे में नहीं पता। आपको पैराग्राफ गिवन है, आपको पहले वो गैप भी फाइंड करना है और गैप फाइंड करने के बाद उसे वर्ड को भी वहां पे फिल करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे गैप फिलिंग से कहीं ना कहीं ऊपर है ओमिशन, और ओमिशन में किस किस चीज की बेसिकली मिस्टेक हो सकती है, कौन से वर्ड मिसिंग हो सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिसिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, वो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहली चीज दैट इज हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहली चीज होती है हेल्पिंग वर्ब का मिसिंग होना। मतलब जब भी आप एक सेंटेंस को देखोगे तो एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का एक रोल होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, जैसे इज एम आर, डू डज, हैज हैव, डिड, ये सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इनके अलावा मॉडल्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी मिसिंग हो सकती है। तो जब भी आप देखोगे एक सेंटेंस में ओमिशन, तो सबसे पहले आप ये देखो कि उस सेंटेंस में ओमिशन आ रही है या नहीं, उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो अगर वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो चांसेस है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग हो सकती है।
अब दूसरे नंबर पे गाइस बात करते हैं, दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर पे जो चीज हमारी ऑमिट हो सकती है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेपोजिशन। कौन सी चीज हमारी मिसिंग हो सकती है, प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको प्रेपोजिशन के बारे में पता होगा, इन, ऑन, एट, विद, टू, ये सारे के सारे हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो प्रेपोजिशन हमारी मिसिंग हो सकती है। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, बेसिकली एक वर्ब को और एक ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करना, या फिर एक हेल्पिंग वर्ब को और एक ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करना, या दो नाउन्स को आपस में लिंक करना, ये हमारे प्रेपोजिशन का काम होता है। तो सेकंड नंबर पे कौन सी चीज मिसिंग हो सकती है, प्रेपोजिशन मिसिंग हो सकती है। तीसरे नंबर की बात करते हैं गाइस, तीसरे नंबर पे कोई एडजेक्टिव या हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं, डिटरमिनर मिसिंग हो सकता है, जैसे ए, एन, द, और ऐसे ही फ्यू, लिटिल, सम, बहुत सारे होते हैं आपके, तो ये चीजें भी आपकी मिसिंग हो सकती हैं, और काफी चांसेस होते हैं कि ये चीजें आपकी मिसिंग हो। ज्यादातर ओमिशन के अंदर ये चीजें बहुत मिसिंग होती हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो लास्ट चीज है जो मिसिंग हो सकती है, वो है गाइस हमारा कंजंक्शन या फिर कनेक्टर। मतलब जब भी हम एक पैराग्राफ की बात करते हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कनेक्टर्स या कंजंक्शंस भी मिसिंग हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, उसमें विच मिसिंग था, तो इसका मतलब ये कि हमारे कनेक्टर्स भी मिसिंग हो सकते हैं। गाइस मैंने एडिटिंग की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हमारी पांच चीजें जो हैं उनमें गलती हो सकती है, जिसमें एक वर्ब भी था और बाकी ये चार चीजें थी। तो इसमें वर्ब का मिसिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वर्ब के मिसिंग होने से सेंटेंस का पूरा पूरा सेंस बदल सकता है। तो ओमिशन में वर्ब का जो ओमिशन है वो बहुत ही कम आता है, मेनली इन चार चीजों का ही ओमिशन आता है। पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे नंबर पे प्रेपोजिशन है, तीसरे नंबर पे डिटरमिनर या एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हो, और चौथे नंबर पे आपका कनेक्टर या कंजंक्शन हम कह सकते हैं। तो ये चीजें आपकी मोस्ट प्रोबेबली मिसिंग हो सकती हैं। अगर आप इन चीजों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हो कि भाई प्रेपोजिशन क्या है, डिटरमिनर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको ओमिशन को कंप्लीट करना है। तो गाइस सबसे पहली चीज ओमिशन करने के लिए, तो गाइस स्टेप नंबर वन क्या है, फाइंड आउट द गैप। मतलब कि वो गैप कहां पे है, आपको सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी होगी कि एक सेंटेंस आपको जो गिवन है पैराग्राफ में जिसमें आपको ओमिशन करना है, तो गैप कहां पे हो सकता है, आपको सबसे पहले ये देखना है। और स्टेप नंबर टू, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड फॉर द गैप। मतलब कि जो गैप आपने फाइंड किया है कि भाई यहां पे गैप हो सकता है, इसमें मिसिंग वर्ड आपका क्या आ सकता है। जब आप मिसिंग वर्ड देखोगे तो स्टेप नंबर थ्री क्या है, स्टेप नंबर थ्री में आप चारों चीजों को जो मैंने आपको बताई है, हेल्पिंग वर्ब बताई, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, कंजंक्शन, इन चारों चीजों को लाइन वाइज देखोगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन देखोगे, वहां नहीं है तो फिर प्रीपोजिशन देखोगे, वहां नहीं है तो डिटरमिनर देखोगे, वहां नहीं है तो कंजंक्शन देखोगे। इस तरीके से आपको ओमिशन देखना है और चारों को सीक्वेंस में देखना है, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में ज्यादातर गलतियां आपकी आपको आसानी से मिलेंगी। तो आई होप गाइज आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल थ्रू इस टॉपिक को समझाने के लिए, और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन विजिबल है। अब उस क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैराग्राफ के अंदर हर एक लाइन के अंदर एक वर्ड मिसिंग है, और क्वेश्चन के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, बिफोर, देन मिसिंग, एंड देन आफ्टर। इसका मतलब जब भी आप मिसिंग वर्ड को फाइंड आउट करते हो और वहां पे प्लेस करते हो एक वर्ड, तो आपको आंसर के वक्त बिफोर और आफ्टर को भी लिखना होता है, क्योंकि जब आप सिर्फ आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये कहां पे प्लेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पहली लाइन है कि टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो अगर मान लेते हैं हम कि यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे उसके पहले वाला वर्ड और उसके बाद वाले वर्ड को भी आंसर में लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि बेसिकली बीच में जो वर्ड मिसिंग है वो कौन से दो वर्ड्स के बीच में मिसिंग है। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो गाइस सबसे पहले नंबर पे है टेक्नोलॉजी अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब यहां पे मैं ऑलरेडी आंसर आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, लेकिन स्टिल हम देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, अब जब मैं इस सेंटेंस को देखूंगा तो सबसे पहली चीज मुझे हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। तो यहां पे टेक्नोलॉजी अ गुड सर्वेंट बट अ बैड, अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, ये सेंटेंस आपका नॉन एक्शन है जिसमें कोई वर्ब नहीं है। ऑब्वियसली बात है वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन एक्शन है, क्योंकि वर्ब तो ओमिशन में आती नहीं है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ सकती है, इज, टेक्नोलॉजी इज। अब आप कहोगे सर इज क्यों आएगी, वॉज भी तो आ सकता है। तो आप इस बात को हमेशा समझना, जब भी आप पैराग्राफ देख रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में। ज्यादातर आपका टॉपिक किसी भी आइडिया के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, एक आइडिया, इट इज नॉट अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है।
तो वो आपका प्रेजेंट में होगा, और जब भी आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे होगे तो वो आपका पास्ट में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा अनुभव जो है वो पास्ट में एग्जिस्ट करता है किसी भी चीज को लेके, जैसे राम श्याम गीता की कोई स्टोरी गिवन है तो ऑब्वियसली वो पास्ट में एग्जिस्ट करती होगी। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ प्रेजेंट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो मिसिंग है दैट इज इस। सो गाइस आई होप आप लोगों को पहला आंसर समझ में आ गया होगा, टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड। अब दूसरे नंबर पे गाइस मास्टर, वी ऑल आर अवेयर दिस। अब वी ऑल आर अवेयर दिस के अंदर भी आप देखो, सबसे पहले आर हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ रही है, दूसरे नंबर पे प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का क्या रोल होता है, किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ना या किसी भी हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ना। अब यहां सेंटेंस क्या है, वी ऑल आर अवेयर दिस। अब वी ऑल आर अवेयर, वी ऑल आर अवेयर में अगर मैं अवेयर की बात करूं तो ये और जो दिस है इसके बीच में एक प्रेपोजिशन आना चाहिए दोनों को लिंक करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली यहां पे आपकी गलती है, दैट इज वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। तो ये हमारा यहां पे आंसर होगा। और गाइस थर्ड नंबर पे है स्टिल वी डू नॉट थिंक इट्स, वी डू नॉट थिंक इट्स। तो यहां पे देखो अगेन वर्ब यहां पे आ रही है, ठीक है, और डू नॉट में डू आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो प्रेपोजिशन थर्ड नंबर पे आएगी। वी डू नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया, वर्ब तो आती ही है, अब प्रेपोजिशन का नंबर वी डू नॉट थिंक इट्स, तो थिंक और इट्स के बीच में यहां पे प्रेपोजिशन आनी चाहिए रिलेट करने के लिए, तो वी डू नॉट थिंक अबाउट इट्स। तो आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम इस आंसर को फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ है गाइस बैड इंपैक्ट्स ऑन लाइव्स, बैड इंपैक्ट ऑन लाइव्स। अब यहां पे देखो ये पिछले वाले सेंटेंस का ही पार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब का तो कोई यहां पे रोल बनता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो बैड इंपैक्ट ऑन लाइव्स, तो ऑन आपकी प्रीपोजिशन हो गई। अब यहां पे बात आती है किसकी, डिटरमिनर की या एडजेक्टिव की, तो ऑन किसकी लाइव्स भाई, आर लाइव्स, हमारी लाइफ पे असर पड़ता है। तो तीसरे नंबर पे देखो डिटरमिनर भी यहां पे समझ में आया किस तरीके से प्लेस हो रहा है। तो आई होप गाइस आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सो गाइज लास्ट सेंटेंस है फिफ्थ नंबर पे, वी मस्ट नॉट अलाउ टू डोमिनेट अस। अब यहां पे देखो मस्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब हम कंसिडर कर सकते हैं, वैसे ये मॉडल है और वर्ब भी आ रही है, वी मस्ट नॉट अलाउ टू डोमिनेट अस। तो यहां पे टू आ रहा है आपका एज अ प्रीपोजिशन, हालांकि यहां पे जो टू है वो एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, क्योंकि जब भी एक प्रीपोजिशन के साथ वर्ब आ रही होती है जैसे टू डोमिनेट, तो वहां पे वो इन्फिनेटिव का काम करता है। तो यहां पे अगर सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो दैट इज ऑब्जेक्ट विच इज मिसिंग, जो कि हमारे चार चीजों में से थोड़ा सा अलग है। वी मस्ट नॉट अलाउ इट टू डोमिनेट अस, तो यहां पे इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जो चार चीजें आपको बताई है गाइज, आपकी 80-90% मिस्टेक उन चार चीजों में से होगी, और फिर इसके अलावा 10% मिस्टेक किसी भी दूसरी चीज से हो सकती है, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को सही तरीके से सारे के सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। बस मेन चीज अगर आपको कुछ समझनी है तो दैट इज गाइज कि आपको चारों की चारों चीजों को फॉलो करना है उसी सिक्वेंस में जिस सिक्वेंस में मैंने आप लोगों को बताया है। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश ग्रामर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे इंग्लिश ग्रामर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप गाइज आप ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन जरूर कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में जो मैं बताने वाला हूं गाइज, हमारे चैनल को यहां पे आप देख रहे हैं एक सब्सक्राइब का बटन है GWE का, इसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ जो हमारी प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर के लिए उसको चेक जरूर करें, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक जरूर करें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाए इंग्लिश ग्रामर को लेकर, और उस प्लेलिस्ट में जो ऑलरेडी वीडियोस हैं उनको भी आप देख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।